आज से दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी का दूध 2 रुपए लीटर हुआ महंगा। इस साल 5वीं बार बढ़ाए दाम। रोजाना करीब 30 लाख लीटर से अधिक दूध की बिक्री करती है मदर डेयरी। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध के दाम अब 66 रुपए हुए। टोन दूध के लिए चुकाने होंगे 53 रुपए। डबल टोन के दाम बढ़कर अब हो गए हैं 47 रुपए। गाय के दूध और टोकन से खरीदे जाने वाले दूध के दाम नहीं बढ़े। दिल्ली में पिछले हफ्ते डेंगू के 247 मामले सामने आए। इस साल अब तक डेंगू के 4361 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। बिहार के बेतिया में नगर निगम के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह। चुनावी रैली में बेकाबू हुई भीड़ को देखते हुए चप्पल छोड़कर स्कूटी से भागना पड़ा। वीडियो हुआ वायरल। बिहार के बेतिया में नगर निगम चुनाव में प्रचार करने पहुंचे भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव। मेयर प्रत्याशी के लिए किया रोड शो। अभिनेता को देखने के लिए उमड़ी भीड़। यूपी के बस्ती में ग्राम विकास अधिकारी किशन वर्मा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। प्रधान प्रतिनिधि की फाइल को मंजूर करने के एवज में मांगे थे 50,000 रुपए। आरोपी ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड। जयपुर में घरेलू विवाद से परेशान महिला बच्चे समेत पानी की टंकी पर चढ़ी। रेलवे लोको कॉलोनी की घटना। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने समझाने पर मारी महिला। स्काईलिफ्ट मशीन से उतारा गया। आगरा में क्रिसमस पर सेंटा की ड्रेस न पहनने पर कर्मचारी को नौकरी से निकालने का मामला। कर्मचारी की शिकायत पर मॉल मैनेजर समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। वाराणसी में गंगा किनारे तैयार हो रही है टेंट सिटी। लग्जरी होटल जैसी मिलेंगी सुविधाएं। काशी के कल्चरल लुक का भी रखा गया है ध्यान। 14 जनवरी के बाद शुरू होगी बुकिंग। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भोज का खाना खाने से 66 लोगों की बिगड़ी तबीयत। स्वास्थ्य विभाग ने बिशनपुर गांव में ही कैंप लगाकर ग्रामीणों का इलाज शुरू किया। 40 ग्रामीणों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। यूपी के श्रावस्ती में अजगर का आतंक। प्राचीन मंदिर मुंडा शिवाला में 3 दिनों तक रहा अजगर। पुजारी ने डर के कारण छोड़ा मंदिर। वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। दिल्ली में साल दिसंबर में बिजली की रिकॉर्ड खपत। इस सीजन की पीक पावर डिमांड 4,803 मेगावाट रही। 2019 के बाद सर्दियों में खपत का टूटा रिकॉर्ड। बिजली की मांग 5,500 मेगावाट जाने का अनुमान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बढ़ी सैलानियों की संख्या। नए साल के जश्न के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। बीते 2 दिनों में अटल सुरंग से गुजरे 19,383 वाहन। बढ़ रही है टूरिस्ट की भीड़। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 और 29 दिसंबर को होगी आयोजित। परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जारी। 2 शिफ्टों में होगा एग्जाम। 2,59,013 छात्र देंगे परीक्षा। यूपी निकाय चुनाव में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आ जाएगा फैसला। कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई कर सुरक्षित रख लिया था फैसला। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने का है मामला। कोर्ट ने आईसीएसई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के संस्थापक धूप को 28 दिसंबर तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा। वीडियोकॉन ग्रुप को करोड़ों रुपए का कर्ज देने का मामला है। टीवी अभिनेत्री तुनिशा सुसाइड केस में बड़ा खुलासा। सूत्रों के अनुसार तुनिशा और सीजान के परिवार वालों को मंजूर नहीं था रिश्ता। दोनों के बीच ब्रेकअप की यही बनी वजह। पुलिस दोनों के परिवार वालों के दर्ज करेगी बयान। पुलिस शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की कर रही है तलाश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीजान बार बार बदल रहा है अपने बयान। अब तक हो चुके हैं 17 लोगों के बयान दर्ज। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा मामले में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखी है। मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की। शीजान खान के परिवार की मीडिया से परिवार की निष्ठा बनाए रखने की अपील। बहने बोली शीजान पुलिस का सहयोग कर रहा है, हमारा पीछा ना करे, समय आने पर हम मीडिया से बात करेंगे। शीजान से मिलने उसकी बहन पहुंची वालिद पुलिस स्टेशन। सुबह दवा लेकर भी पहुंची थी बहने, कुछ देर बाद घर वापस लौटी। तुनिशा शर्मा के सुसाइड के बाद टीवी शो अलीबाबा दास्तान काबुल की शूटिंग ठप। मामले से जुड़ी तहकीकात करने पुलिस पहुंची सेट पर। इसी सेट पर तुनिशा ने सुसाइड किया था। मुंबई के कूपर अस्पताल के कर्मचारी का दावा, सुशांत सिंह राजपूत की हुई थी हत्या। सुशांत के शरीर पर थे कई निशान, गर्दन पर भी थे 2 से 3 निशान। बिहार के छपरा शराब कांड का मुख्य आरोपी अर्जुन सिंह गिरफ्तार। पूछताछ में कुबूला जुर्म। 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार। पैसों के लालच में होम्योपैथिक दवा और केमिकल मिलाकर बनाई थी जहरीली शराब। बिहार के छपरा में शराब माफिया ने किया पुलिस टीम पर हमला। मसीना गांव में छापेमारी करने गई टीम पर पथराव और फायरिंग। पुलिस की गाड़ी में भी की तोड़फोड़। 2 पुलिसकर्मी घायल, 4 आरोपी गिरफ्तार।
यूपी के बिजनौर में अवैध शराब भट्टी पर पुलिस और आबकारी विभाग का छापा। ड्रोन से घने जंगलों में कच्ची शराब के ठिकानों पर रखी जा रही है नजर। 900 लीटर कच्ची शराब और 950 लीटर लहन की नष्ट। चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के औरैया में पुलिस थाने पहुंची नाबालिग का खुलासा। 4 साल पहले अगवा कर एमपी से लाई गई थी नाबालिग। युवक ने 40,000 में खरीद कर की शादी। पति की प्रताड़ना से परेशान होकर पहुंची थाने। हिरासत में आरोपी। यूपी के आगरा में स्पा सेंटर की आड़ में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने मारा छापा। हिरासत में 3 युवती और 8 पुरुष। सेक्स रैकेट चलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के आगरा में एयरफोर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। लोगों को देते थे फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर। 1 आरोपी गिरफ्तार। कई लोगों से ठगे लाखों रुपए। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद समेत कई संतों को जहर देकर मारने की साजिश का मामला। कोर्ट ने आरोपी युवक को भेजा जेल। पुलिस कोर्ट में युवक की रिमांड के लिए करेगी अपील। बिहार के रोहतास पुलिस ने पंजाब से भोजपुरी सिंगर पंकज सिंह को किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की के बारे में अश्लील भोजपुरी गाना गाने का आरोप। इस केस में एक और आरोपी की तलाश में पुलिस। गुजरात के समुद्री तट के पास हथियार ड्रग्स के साथ पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव। 300 करोड़ रुपए के हथियार, गोला बारूद और 40 किलोग्राम ड्रग्स जब्त। एटीएस और आईसीजी का ज्वाइंट ऑपरेशन। 10 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के नैनीताल में बाघ ने 3 युवकों पर किया हमला। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी इलाके की घटना। एक युवक की मौत, 2 गंभीर तौर पर घायल। कोरोना की नई लहर को देखते हुए आज पूरे देश के अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। कोरोना से पैदा होने वाले हालात से निपटने की तैयारी। केंद्र सरकार के निर्देश पर होगी ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मॉक ड्रिल के दौरान रहेंगे मौजूद। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सुबह 10 बजे होगी मॉक ड्रिल। कोरोना की नई लहर के बीच 2 राज्य बढ़ा रहे देश की चिंता। केरल और कर्नाटक में देश के कुल 80% केस। देश में कुल एक्टिव केस 3,500 के करीब। प्रयागराज में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वार्षिक कॉन्फ्रेंस शुरू। इस कॉन्फ्रेंस में कोरोना पर हुए सेशन में 1,000 डॉक्टर हुए शामिल। इनमें से 82 डॉक्टर्स कोरोना के एक्सपर्ट। कोरोना को लेकर देश के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने प्रयागराज में किया मंथन। डॉक्टर्स ने माना चौथी लहर जल्द दस्तक देने वाली है, लेकिन देश में इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। कोरोना को लेकर विशेषज्ञों का दावा। देश में वैक्सीन की 220 करोड़ डोज लग चुकी है। माइल्ड सिम्टम्स के साथ कोरोना निकल जाएगा। फिर भी नए वेरिएंट से बच्चों और बुजुर्गों को खास सतर्क रहने की जरूरत है। इंजेक्शन से डरने वालों के लिए आई नेजल वैक्सीन। नेजल वैक्सीन की 1 महीने में 8 डोज दी जाएगी। नेजल वैक्सीन के 1 डोज की कीमत तकरीबन 100 रुपए आएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी की देश भर के 100 डॉक्टर्स से बात। स्वास्थ्यकर्मी ने डॉक्टरों से अटकलें लगाने से बचने और जनता के साथ केवल सटीक जानकारी साझा करने की अपील की है। कोलकाता एयरपोर्ट कोरोना के 2 पॉजिटिव केस मिले। 1 यात्री दुबई से और 1 मलेशिया से आया है। दोनों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर लिए गए सैंपल में म्यांमार के 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराए गए। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स। जिस फ्लाइट से म्यांमार के यात्री भारत पहुंचे थे, अब उनके बाकी यात्रियों की तलाश की जा रही है, जिससे उनकी भी टेस्टिंग की जा सके। फ्लाइट के सभी यात्रियों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले 12 घंटे में 690 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना की जांच हुई है। लोगों का कहना है कि बेहतर यही होगा कि जांच में कोई चूक ना हो, जिससे विदेश से कोरोना भारत आने ही ना पाए। अमेरिका से दुबई के रास्ते दिल्ली लौटे आर्यन ने किया खुलासा। अमेरिका में भी फैला है कोरोना, लेकिन वहां डर का कोई माहौल नहीं है। कोरोना के खिलाफ एक्शन के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर लगी दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी। 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक अलग अलग शिफ्ट्स में ड्यूटी देंगे कुल 85 शिक्षक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मामले आए। इस दौरान किसी मरीज की मौत नहीं। पिछले 24 घंटों में 1800 के करीब टेस्ट किए गए। दिल्ली में कोरोना की नई लहर के खतरे से निपटने को तैयार। केजरीवाल सरकार अस्पतालों में 8,000 बेड तैयार, जिन्हें जरूरत पड़ने पर 36,000 तक बढ़ाया जा सकता है। रिजर्व में 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार। गया एयरपोर्ट पर जांच में 4 विदेशी पर्यटक मिले कोरोना संक्रमित। संक्रमितों में 3 बैंकॉक और 1 म्यांमार का है। पर्यटक सभी को बोधगया में किया गया आइसोलेट। नए साल पर कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए उमड़ी भारी भीड़। कोरोना के खतरे को देखते हुए कटरा के होटल्स रेस्टोरेंट श्रद्धालुओं को मुफ्त में बांट रहे मास्क और सैनिटाइजर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए कोरोना के 15 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 154। 24 घंटे में 9 मरीज ठीक होकर घर गए।
धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस द्वारा मास्क लगाने को लेकर किया जा रहा है जागरूक। संत समाज भी लोगों से नियमों के पालन की अपील कर रहा है। दिल्ली में शीतलहर का कहर, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पूरी दिल्ली में अगले 2 दिन रहेगा घना कोहरा, धूप निकलने के आसार कम। यूपी में भी ठंड का कहर है जारी, बरेली में घने कोहरे से परेशान दिख रहे हैं लोग, कई ट्रेनें लेट हुई। मौसम विभाग का अनुमान, पारा और भी गिर सकता है। यूपी के मुरादाबाद में ठंड से कांप उठे लोग, तापमान 5 डिग्री तक पहुंचा। घने कोहरे के बीच बच्चों के लिए स्कूलें अभी भी जारी, आगे और भी बढ़ सकती है ठंड। कश्मीर के पहलगाम में अचानक भारी बर्फबारी के बाद मौसम खुशनुमा हुआ, घूमने आए लोगों के चेहरे पर खुशी, आगे और भी बढ़ सकती है इलाके में बर्फबारी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।